नमस्कार, मैं प्रिया, स्वागत है आपका हमारे नए सेगमेंट धड़ाधड़ 30 खबरों में। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। भारत ने चीन को एक बड़ी हार का स्वाद चखा दिया है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराज को ICAAP का अगला कार्यकारी निदेशक चुना गया है। उनको ये पद एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने पर दिया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं हाल ही में हुए अध्ययन में ये खुलासा हुआ है कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा ली है, उनके कोविड-19 से संक्रमित होने की संभावना 3 गुना कम है। ये खुलासा ब्रिटेन के एक नवीनतम अध्ययन में पाया गया है। यूनाइटेड के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जता रहे हैं, मगर उनसे कहा गया है कि वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले। ज्ञात हो सीएम गुरुवार को पटना हवाई अड्डे पर पटना, नालंदा, गया और जहानाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा कि पीएम को खत लिखकर जातीय जनगणना के मसले पर सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ उनसे मिलने का वक्त मांगा है। जम्मू कश्मीर के लिए बीते दिन यानी कि 5 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। बीते दिन ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे हो गए थे। इस खास मौके पर जम्मू कश्मीर को उसकी नई फिल्म पॉलिसी 2021 भी मिल गई है। नई फिल्म पॉलिसी 2021 के लॉन्च के मौके पर मनोज सिन्हा के साथ एक्टर आमिर खान, फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी भी मौजूद थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत की 19 साल की अदिति ने कमाल कर दिया है। गोल्फ में अदिति अशोक शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल के करीब पहुंच गई है। अदिति अशोक दूसरे स्थान पर है और तीनों राउंड के अंत में शीर्ष 3 में बनी हुई है। फाइनल राउंड कल खेला जाएगा। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत किशोर ने इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया है जब अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें, इसी साल 1 मार्च को प्रशांत किशोर अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल एडवाइजर बने थे। अब एक एयरलाइन कंपनी बेहद कम पैसे में हवाई सफर का ऑफर दे रही है। एयर एशिया इंडिया फ्लैश सेल के जरिए महज 914 रुपए में फ्लाइट टिकट बुक कराने का मौका दे रही है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक यह ऑफर 6 अगस्त तक बुकिंग के लिए खुला हुआ है और 1 सितंबर 2021 से 26 मार्च 2022 तक की यात्रा अवधि के लिए लागू है। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया इतिहास रचने में भले ही चूक गया हो, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने उन पर इनामों की बौछार कर दी है। सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि रवि दहिया को क्लास 1 कैटेगरी की नौकरी जहां मन चाहेगा प्रदेश में वहां एक फ्लैट मिलेगा। उनके गांव में रेसलिंग के लिए इंडोर स्टेडियम और 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बीते दिन बांका पहुंचे, जहां पहुंचते ही जदयू महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुजाता वैद्य, पंचायत के मुखिया संजय सिंह सहित अन्य लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नल जल योजना में प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है, ढिलाई करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,643 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 464 लोगों की जान चली गई है। गुरुवार को कोरोना वायरस के 42,982 नए मामले दर्ज किए गए थे और 533 लोगों की जान गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 41,096 मरीज रिकवर हुए हैं। और गया शहर के पुलिस लाइन स्थित अंबेडकर नगर के रहने वाले नागसेन अमन की चीन में जान चली गई थी, लेकिन अब तक उनका शव बिहार नहीं आया है। वहीं इसी बीच बीती शाम मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर उनका ढिठास बढ़ाया, साथ ही अमन के पार्थिव शरीर को गया लाने की कोशिश करने की बात कही है। आने वाले 2 साल बिहार के लिए बेहद ही खास होने वाले हैं, क्योंकि 2 साल के अंदर बिहार को 7 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। इसमें एक पूर्णिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो 7 नए मेडिकल कॉलेज बनने से राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बेडों की संख्या 3,500 से ज्यादा बढ़ जाएगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के पिता ने भारत और ब्रिटेन के बीच रोमांचक मैच में 4-3 से हार के बाद कहा कि लड़कियों ने शानदार मैच खेला, जीत हार अलग बात है। वहीं रानी रामपाल के भाई ने मैच के बाद भारतीय टीम की कप्तान की संघर्षपूर्ण सफर को याद करते हुए कहा कि सारी जिंदगी मैच को नहीं भूल सकते। वहीं परिवार ने हरियाणा सरकार की तरफ से घोषित राशि का स्वागत किया है। रोहित शर्मा को लेकर वीवीएस ने ESPN क्रिकइन्फो पर कहा है कि जब से सुबह का सत्र शुरू हुआ है, रोहित शर्मा और केएल राहुल के बीच कम से कम 2 या 3 बार विकेट के बीच दौड़ने को लेकर झिझक थी। इसलिए हो सकता है कि फोकस की कमी ने उन्हें वो शॉट खेलने के लिए प्रेरित किया हो, जिसके कारण वो आउट हो गए। अवैध
खनन का मुद्दा बिहार में जोर शोर से देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर प्रशासन भी काफी ज्यादा सख्ती से पेश आ रही है। यही कारण है कि सरकार के निर्देश पर बालू तस्करों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का परिणाम है कि गत एक महीने में जहां 567 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की हवा खिलाई गई है, वहीं कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति की बैठक के नतीजे आ गए हैं। आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर बताया है। रेपो रेट 4% पर स्थिर है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बैंक की ईएमआई नहीं घटेगी। दरअसल रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों का ब्याज दर कम करने का दबाव होता है। बैंक ब्याज दर में कटौती करते हैं तो ईएमआई भी कम हो जाती है। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में आने वाले महीने में अगस्त से लेकर दिसंबर तक कोविड-19 वैक्सीन की 136 करोड़ से अधिक डोज प्रकाशन की उम्मीद है, जिसमें भारत में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक उपलब्ध रहेगी। वैक्सीनेशन लक्ष्यों पर एक नोट में प्रधानमंत्री कार्यालय से सांसदों को दिए गए भारत वैक्सीन उत्पादन लक्ष्यों का विवरण दिया गया है। पटना के जिला परिषद अध्यक्ष अंजू कुमारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अंजू कुमारी को बर्खास्त करने की योजना बना रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि 16 अगस्त तक उनसे लिखित जवाब की मांग की गई है। जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई तेज की जाएगी। फिल्म बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को जब से गिरफ्तार किया है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को प्रॉपर्टी सेल ऑफ मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है। शर्लिन को आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए भी कहा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अब तक 2000 रुपए की 8 किश्त मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक 9 अगस्त 2021 को किसानों को 9वीं किश्त जारी की जाएगी। MyGOV इंडिया के ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान योजना के तहत 9वीं किश्त को 9 अगस्त 2021 दोपहर 12:30 बजे जारी करेंगे। बिहार पुलिस ने कोरोना के माहौल में भी सराहनीय काम किया है। बिहार पुलिस की तरफ से किए गए दावे के अनुसार कोरोना काल में 2665 अपराधियों को सजा दिलवाई गई है। अपराध पर अंकुश लगाने में बिहार पुलिस ने यकीनन बेहतरीन काम किया है। बिहार पुलिस की माने तो बिहार में अपराध की संख्या कम हुई है। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने गुरुवार को घोषणा की है कि कंपनी ने वैश्विक स्तर पर 10 करोड़ हैंडसेट बेचे हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन के इतिहास में कई नए उपकरण को शिप करने वाली रियलमी सबसे तेज वैश्विक ब्रांड बन गई है। रियलमी के सीईओ स्काई ने कहा है कि हमारे युवा उपयोगकर्ताओं के भारी समर्थन के लिए धन्यवाद। हम 100 मिलियन स्मार्टफोन शिपिंग के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है। तेजप्रताप यादव अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं, वहीं अब तेजप्रताप यादव का जानवर प्रेम भी सामने आया है। हाल ही में फेसबुक लाइव के माध्यम से तेजप्रताप यादव ने अपने घर के साथ साथ जानवर प्रेम दिखाया है, जिसके तहत उनके पास 2 गाय 2 घोड़े और 4 कुत्ते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि घोड़ा रखने का शौक उन्हें शुरू से ही रहा है। 2 गाय भी उन्होंने रखी हुई है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का समापन हो गया है, जिसके बाद अब जाकर विधानसभा अध्यक्ष ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान अगर किसी अधिकारी ने जानबूझकर किसी सवाल का गलत जवाब दिया होगा तो इस पर कार्रवाई होगी। ऐसे में विधायकों को किसी सवाल का गलत जवाब दिए जाने की जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत सीधे सीधे की जाए। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि बीते दिन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक लेटर वायरल हो गया, जिसमें 20 अगस्त को पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर अधिसूचना जारी करने की बात कही गई है। साथ ही 20 सितंबर से 15 नवंबर तक चुनाव के आयोजन करवाने की तारीख वायरल लेटर में दी गई है। हालांकि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों में बदलाव की उम्मीद जताई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख वैज्ञानिकों ने अब ऐसे लोगों को लेकर बयान दिया है जिनकी इम्यूनिटी बाकी लोगों के मुकाबले कम है। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे लोगों पर कोरोना के बदलते रूप के संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अमेरिकी वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना को रोकने के लिए उन लोगों को वैक्सीन में प्राथमिकता देनी चाहिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। अब करीबी डाकघर में लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की सुविधा हासिल कर सकते हैं। सुविधा के लिए आवेदक को करीबी डाकघर के कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। इंडिया पोस्ट की माने तो अब अपने नजदीकी डाकघर के CSC काउंटर पर पासपोर्ट के लिए पंजीकरण और आवेदन करना सरल हो गया है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डाकघर पर आम नागरिक जा सकते हैं। केंद्र सरकार की एक एजेंसी जो कि आदिवासी उत्पादों का विपणन और प्रचार करती है, वो अब GI टैग वाले आदिवासी कला और शिल्प उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 100 भारतीय मिशन और दूतावास में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर कोना की स्थापना करेगी। ट्राइफेड आदिवासी उत्पादों की पहली खेप को आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पूर्व विदेश
विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस भावुक मौके पर कई नेताओं और मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बेटी बांसुरी स्वराज ने भावुक पोस्ट लिखकर मां को याद किया है। सुषमा स्वराज का 6 अगस्त 2019 को निधन हो गया था। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार क्या भारत सरकार दिसंबर तक 136 करोड़ वैक्सीन के प्रोडक्शन का लक्ष्य हासिल कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।